अगर आपको वीडियो एडिटिंग का ई भी नहीं आता तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आप बेसिक लेवल की एडिटिंग तो सीख ही जाएंगे। इसे सीखने के बाद आप इस तरह के रील, शॉर्ट या लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम कैपकॉर्ड ऐप से वीडियो एडिट करने वाले हैं, जो कि नॉर्मली प्ले स्टोर में नहीं मिलता, जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पेज के अंदर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको प्ले स्टोर पे जाना है और किसी वीपीएन में डाउनलोड कर लेना है। मैं मेनली यूज करता हूँ सिक्योर वीपीएन को, आप कोई फ्री वीपीएन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो अभी चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो कैपकट को डाउनलोड करने के साथ साथ हम एक वीपीएन को भी डाउनलोड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम वीपीएन के अंदर आगे और कोई भी ऐसी कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से हम आ जाएंगे कैपकट के ऊपर और कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपका ये न्यू प्रोजेक्ट है, आपको बस यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके गैलरीज के जितने भी सारे वीडियो और फोटोज हैं सब निकल आएंगे। अगर आपने इसमें परमिशन नहीं दिया होगा तो परमिशन मांगेगा, परमिशन दे देना। तो यहाँ पे वीडियो और फोटो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो साइड में सर्कल दिया गया है वहाँ पे टिक करेंगे। तो अभी मुझे ये चार वीडियो चाहिए तो मैंने क्लिक कर दिया। और अगर साथ ही साथ आपको कोई फोटो की भी जरूरत हो तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वीडियो का टाइमलाइन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम कैपकट के अंदर सीखेंगे कि कैसे वीडियो को कट एंड ट्रिम किया जाता है, जिससे हम वीडियो के अनवांटेड पार्ट को हटा सके। यहाँ पे ये बच्चा इस कुत्ते को कुछ पहना रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, जो पहना रहा है ये वाला सीन है मुझे डिलीट करना है। वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन जो फर्स्ट में दिख रहा है इसे क्लिक करूंगा। तो इससे क्या होगा, वीडियो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर हमको पहला वाला पार्ट डिलीट करना है तो पहले वाले पार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर देंगे। पर अगर आपको चाहिए कि जो पीछे वाला वीडियो है आगे चाहिए, तो बस हम वीडियो के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे और आगे सिंपली लेके आएंगे। इस पर अगर आप पीछे भी ले सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं वीडियो को। और अभी तो हमने अपने वीडियो को कट और आगे पीछे करना सीख लिया, पर मैंने गलती से एक वीडियो ऐड करना भूल गया। तो चलो एक और वीडियो ऐड करते हैं। तो नया वीडियो ऐड करने के लिए बस यहाँ पे जिस जगह पे आपको ऐड करना है वहाँ पे जाना है और इस वाइड लाइन को वहाँ पे रखना है। मुझे इन दोनों वीडियो के बीच में चाहिए, तो मैं इन दोनों वीडियो के बीच में से लाइन रख दूंगा और इस वाले प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद जो वाला वीडियो हमको चाहिए फिर से उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। तो हमारा वीडियो ऐड हो गया। तो अभी हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने किसी वीडियो का बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। आपको इसके लिए कोई ग्रीन स्क्रीन या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आप अगर आपके घर में नॉर्मल वीडियो बनाते हैं तो उसका वीडियो हटा सकते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट ले लेंगे। प्रोजेक्ट लेने के बाद हमको जो वीडियो बैकग्राउंड में चाहिए उसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे ये वाला वीडियो बैकग्राउंड में चाहिए और इसके ऊपर जो वाला वीडियो हमको लेयर में रखना है वो वाला वीडियो भी सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे ये वाला वीडियो उसके ऊपर लेयर में रखना है और इसके बैकग्राउंड को हटाना है। तो दोनों सिलेक्ट कर लिया, ऐड पे क्लिक कर देंगे। दोनों देखिए सिंपल से ऐड हो गए। तो वीडियो का बैकग्राउंड को हटाने से पहले आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि दोनों वीडियो का जो रेशियो है वो अलग अलग है। तो ये वाला जो वीडियो है हमारे मोबाइल के साइज़ का है और ये वाला जो है ये टीवी है, लैपटॉप के साइज़ है। तो दोनों को सेम करने के लिए बेसिकली यहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ पे आपको रेशियो का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका मोबाइल के साइज़ का, यूट्यूब के साइज़ का, इंस्टाग्राम के साइज़ का, हर चीज़ के साइज़ का मिल जाएगा। मैं अभी ये 19:60 का रेशियो क्लिक कर लूँगा। अभी देखिए हमारे मोबाइल के साइज़ में हो गया। पर एक प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो वीडियो छोटा हो गया, तो इसे बेसिकली इसे जूम कर लेंगे हम। मोबाइल के साइज़ का हमारा जूम हो गया। तो सबसे पहले हमारे जिस वीडियो का बैकग्राउंड हटाना है उसको हमारे बैकग्राउंड वीडियो के ऊपर ले आएंगे। वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है ओवरले के ऊपर और ये वीडियो आपके बैकग्राउंड वीडियो के सामने आ गया। इसके बाद फिर से वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे रिमूव बीजी के ऊपर और ऑटो रिमूवल के ऊपर और यस कर देंगे। अभी ये ऑटोमेटिकली आपके वीडियो का बैकग्राउंड हट गया। मैंने डाउनलोडेड वीडियो, इससे क्वालिटी थोड़ा कम है इसीलिए अच्छे से रिमूव नहीं हुआ। आपके वीडियो और अच्छे से रिमूव हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं इसमें बैकग्राउंड में आपके बॉडी के साइड में कोई बॉर्डर जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑटो पे जाके स्ट्रोक में जाके इसे व्हाइट स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरह का कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं आपके पसंद के अनुसार, आपकी जरूरत के अनुसार। कलर व्हाइट ही रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है और यस कर दिया। इस तरह से आप अपने किसी वीडियो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। तो चलो अब इसी वीडियो के ऊपर कुछ टेक्स्ट एडिट करके कुछ लिख के देखते हैं, जिससे हमारा रील और भी अच्छा बन सकता है। तो चलो इस वीडियो के ऊपर कुछ लिख के देखते हैं, टेक्स्ट एडिट करना सीखते हैं। तो टेक्स्ट एडिट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और एड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो सब भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे बस हेलो हेलो वेलकम लिख दिया और यस पे क्लिक कर दिया। तो अभी हमारा जो हेलो वेलकम का टेक्स्ट बहुत ही सिंपल लग रहा है, तो चलो इसे स्टाइल को थोड़ा चेंज करते हैं। तो टेक्स्ट के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फॉन्ट स्टाइल सब मिल जाएगा। सबसे पहले हम फॉन्ट के ऊपर जाएंगे, कोई अच्छा सा फॉन्ट डाउनलोड कर लेंगे। तो मुझे अच्छा लगा, हम डाउनलोड कर लिया, देखो कितना जल्दी डाउनलोड भी हो गया। कलर को भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं स्टाइल में जाके, इसके कलर को क्या रखे हैं, येलो, कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट को यहाँ पे मैंने रख दिया सामने, अच्छा लगेगा। तो अभी हमारा जो टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है। जब हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं, जब हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल होता है तो मज़ा नहीं आता। तो अगर इसमें कुछ हम इफेक्ट ऐड कर देंगे तो हमारा वीडियो और भी अच्छा लगेगा। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए बस फिर से हम टेक्स्ट के ऊपर हमारा क्लिक करेंगे, जो हमारा हेलो वेलकम लिखा था, और यहाँ पे आपको एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट दिख जाएंगे, ये वाला अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ऐड करके देखते हैं जिस तरह का आप देख पा रहे हैं। इसके अभी टाइम लाइन है वो चेंज कर सकते हैं, कितने स्पीड में आपका टेक्स्ट आएगा, कितने देर तक रहेगा,
आप सब यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये वाला देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है, देखिए हमारा ऐसे टेक्स्ट आ रहा है। तो अभी मैंने जितने सारे वीडियो भी एडिट किए सब मैंने डाउनलोड किए इस वाले वेबसाइट से। आपको एडिटिंग के लिए अगर कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप इस वाले वेबसाइट ले सकते हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री वीडियो मिल जाते हैं। वेबसाइट का नाम है पिक्सल्स। देखिए अगर मुझे एग्जांपल के लिए वीडियो डाउनलोड करना है तो वीडियो के ऊपर क्लिक किया और डाउनलोड के फिर क्लिक कर दिया और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा टेक्स्ट भी एडिट हो गया और हमारा बैकग्राउंड भी हट गया। चलो इसी वीडियो में हम एक नया गाना ऐड करके देखते हैं कैसा मजा आएगा। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको ऑडियोस पे क्लिक करना है और वहाँ पे साउंड्स पे क्लिक करना है। साउंड्स पे क्लिक करने के बाद आपको इस सेकंड वाले फोल्डर पे आ जाना है और डिवाइस पे आना है, आपके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है वो आप यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं एग्जांपल के लिए मैं ये वाला सॉन्ग ऐड कर रहा हूँ, सॉन्ग आ गया। तो चलो अभी हम अपने सॉन्ग के बेस्ट पार्ट को ढूंढते हैं जो हमारे वीडियो के साथ मैच कर जाए और हमारा वीडियो और भी अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम ऑडियो को प्ले करके देखेंगे। तो अगर एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ से हमारा म्यूजिक अच्छा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से चाहिए, तो यहाँ से मैं स्प्लिट में क्लिक कर दूंगा, ये दो पार्ट में हो जाएगा। पहला वाले पार्ट को डिलीट कर दूंगा और सेकेंड वाले पार्ट को लॉन्ग प्रेस करके ले आऊँगा हमारे वीडियो के पास और यहाँ पर क्लिक करके आप फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। इस वीडियो के बीच में जो है नॉर्मल से आ रहा है, मैं कुछ ट्रांजिशन ऐड कर दें जिससे हमारा वीडियो और अच्छा लगेगा। ट्रांजिशन ऐड करने के लिए दोनों वीडियो के बीच में यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रांजिशन दिख जाएंगे। तो एग्जांपल के लिए आप ये वाला ट्रांजिशन देख सकते हैं। देखिए कुछ अभी हमारा जो इफेक्ट कुछ आया है, आपने इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील्स देखे होंगे इस इफेक्ट के ऊपर। अभी हमारे एग्जांपल के लिए मैंने ये वाला क्लिक किया है। तो हमारा जो इफेक्ट है हमारा कितने ड्यूरेशन का रहेगा, यहाँ पे जो हमारा इफेक्ट रहा ये हमारा कितना 0.5 सेकंड का है और इसके ड्यूरेशन को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आपके वीडियो के फील के ऊपर। तो चलो अभी इस वीडियो के ऊपर थोड़ा फिल्टर ऐड करते हैं जिससे हमारा वीडियो और ज़्यादा अच्छा लगे। तो फिल्टर ऐड करने के लिए बस यहाँ पे आपको फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे। तो एग्जांपल के मैं यहाँ फिल्टर क्लिक कर लेता हूँ जो वाला मुझे पसंद है। हमारा फिल्टर आ गया, इसकी हम इंटेंसिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप बहुत सारे फिल्टर ऐसे ऐड करके आपको वीडियो को और भी अच्छा क्वालिटी का बना सकते हैं। फिल्टर यहाँ पे ऐड हो गया लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, तो इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाना है तो यहाँ पे बस क्लिक करेंगे एंड में लास्ट तक लेके जाएंगे। तो अभी हमारा फिल्टर पूरे के पूरे वीडियो में लग चुका है और ये था हमारे बेसिक्स ऑफ वीडियो एडिटिंग का पार्ट वन। पार्ट टू में आपको क्या क्या चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं और इतनी दूर तक आ ही गए हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी कर देना, ये आपके लिए तो फ्री है, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होता है।